So put the heading types of function. सबसे पहले कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन मीनिंग जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट के, या एफ एक्स क्या होता है वाई, वाई इक्वल टू, या एफ एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो अभी एफ एक्स की रहने दो। ग्राफ भी बना लेना, जैसे सपोज करो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई माइनस वाई सबको पता है। अब कांस्टेंट में कोई वैल्यू अगर मैं ले लू, एफ एक्स क्या है वाई, वाई इक्वल टू थ्री, एक्स कैन बी एनी थ्री, ऐसे लिखो या चलो ऐसे भी लिख देते हैं, वाई इक्वल टू एनी कांस्टेंट, अगर मैंने थ्री ले लिया जीरो वन टू थ्री, तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आए लाइन, कॉन्स्टेंट कैन बी एनीथिंग, अगर टू है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, या इसका अगर टेबल बनाएंगे तो क्या मतलब है, वाई इज थ्री फिक्स एंड एक्स कैन बी एनीथिंग। ग्राफ बनाने के लिए अगर इसको टेबल से समझो एक्स एंड वाई, तो वाई तो थ्री ही होगा एंड एक्स कैन बी एनीथिंग, जीरो वन टू थ्री लाइक दिस। ठीक है ना, ये ग्राफ सबको समझ आ गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ। जय सस्मिता, नहीं आया ग्राफ? अगर मैं ये कहता हूँ नहीं समझ आया कि फंक्शन और रिलेशन में फर्क क्या होता है। हाँ वो पिछले क्लास में आई नहीं थी ना, इसलिए नहीं समझ आया, अभी वो डिस्कस कर दूंगा बाद में, फिलहाल सिर्फ टाइप ऑफ फंक्शन की बात करता हूँ, ये देखो। ठीक है, अभी सिर्फ फंक्शन कितने तरह के हो वो डिस्कस करते हैं, फिर वो भी बता दूंगा रिवीजन में, अभी एक दो क्लास ये करके फिर सेट और फंक्शन का रिवाइज रिवीजन करा दूंगा अच्छी तरह से, क्योंकि अभी इसका जय का पेपर है, तो मैं इसको पहले ख़त्म करा देता हूँ और उसके बाद सेट और रिलेशन का एक रिवीजन होगा, जिसका जो पहले से कोई डाउट वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सस्मिता? यस सर। सर हमारे स्कूल ने सिलेबस चेंज कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे ट्रिगो की जगह। और पेपर कब है? 17 अगस्त को है। हाँ कोई बात नहीं, तब तक तो आराम से हो जाएगा। पहले ये मैं खत्म करा देता हूँ ये वाला, उसके बाद दो तीन क्लास उन दोनों को रिवीजन कर लेंगे सेट और रिलेशन का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। हाँ देखो जय, अगर मैं ये कहूँ वाई इक्वल टू थ्री का ग्राफ बनाओ, वाई इक्वल टू थ्री का ग्राफ कैसे बनाओगे? ये तो छोटे क्लास में किया होगा ना, नाइन्थ में। वाई इक्वल टू थ्री का सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल में वाई को फिक्स है थ्री, एक्स कैन बी एनीथिंग, एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, और वाई फिक्स है थ्री थ्री थ्री। ओके यस सर। तो जैसे देखो यहाँ मैंने वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिया, तो वाई थ्री, एक्स अगर जीरो लिया तो ये पॉइंट आया, एक्स को मैं वन लूंगा तो ये पॉइंट आया, एक्स को मैं टू लूंगा तो ये, थ्री लूंगा तो ये, फोर लूंगा तो ये, इस तरह से अगर सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगा, चाहे इधर हो माइनस में लेंगे तो इधर आ जाएगा। ओके ओके तो दैट मीन्स कि हमेशा जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसका एक्स के पैरेलल में एक लाइन आएगा। गॉट इट? अब याद क्या रखना है इसमें, एक तो ग्राफ याद रखो और इसका डोमेन और रेंज। डोमेन का मीनिंग सिंपल शब्द में अगर याद रखो तो हम क्या पुट कर सकते हैं ये फंक्शन में, किसके लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब क्या क्या हम पुट कर सकते हैं डोमेन में,
एफ एक्स एक्स को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक, प्लस में भी माइनस में भी। तो इसका मीनिंग क्या है, डोमेन रियल नंबर, रियल नंबर में कुछ भी पुट करो। एक्स को तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वाई तो फिक्स है और एक्स कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन का मीनिंग होता है क्या पुट कर सकते हैं, रेंज का मीनिंग होता है जब हम पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा। तो डोमेन रियल नंबर और इसका रेंज, इसका रेंज क्या आएगा, रेंज में सिर्फ के, कुछ भी हम पुट करेंगे तो रेंज तो के ही देगा, जो कांस्टेंट हमने लिया इस केस में 3 देगा। अगर मैं 5 पुट करूं तो 5 जनरल में हम कह सकते हैं कि रेंज विल बी एनी दैट कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट के, और डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, पेपर में 1 मार्कर में आ सकता है कॉन्स्टेंट फंक्शन का मल्टीपल चॉइस में, डोमेन क्या होगा, आर दे रखा होगा, आर प्लस दे रखा होगा, आर माइनस दे रखा होगा, नेचुरल नंबर दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग को देखना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, एनीवन? ओके, अब दूसरा ये ग्राफ बना लेना और डोमेन और रेंज लिख लेना। ये फंक्शन का शेप वैसे भी जरूरत है क्योंकि बाद में भी इसकी जरूरत पड़ती है कि शेप बनाओ और उसको 12th में भी जरूरत होगा, इंटीग्रेट करो या कुछ करो, या और चैप्टर में भी जरूरत है, इसलिए इसको याद रखना है। सेकेंड इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स y इक्वल टू x, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, y इक्वल टू x या एफ एक्स इक्वल टू x। अगर इसका ग्राफ जो वैल्यू हम x की लेंगे तो वही y की भी होगा। इफ यू ड्रॉ द टेबल, एक्स वाई, x को 0 लिया y 0, x को 1 लिया ये 1, 2 लिया 2, 3 लिया 3, 4 को लिया 4, x माइनस x, y माइनस y, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, y इक्वल टू x। अब इसका डोमेन क्या होना चाहिए बताना, क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में, डोमेन भी आर। यस बताओ, पूछना क्या किसी को? नो सर, बता रहा था रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर और रेंज दोनों तो सेम है, तो रिजल्ट भी वही आएगा, रियल नंबर। जो पुट करेंगे वही रिजल्ट भी है, तो डोमेन भी आर और रेंज भी आर। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन, थर्ड वन, मॉडुलस फंक्शन। एक मिनट, आइडेंटिटी फंक्शन दिखा देना प्लीज सर से। हाँ एक मिनट, आंसर।
एक काम करना, एक बार रीज्वाइन करना, एक बच्चा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं रीज्वाइन एक बार करना फिर से।